नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। संभल के ग्राम शेरखान सराय संभल में आज राशन डीलर द्वारा ग्रामीणों को राशन वितरण किया। वह इंडिया न्यूज 28 के माध्यम से दवा और नेटवर्क की समस्या निराकरण की मांग की। शेरखान सराय प्रधान ओवेस अशरफी मौजूद रहे। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र से अपील करते हुए इस चैनल के माध्यम से दवा पहुंचाने की अपील की और वहीं पर कनेक्टिविटी न होने की वजह से राशन डीलर आबिद अशरफी ने जिलाधिकारी से रजिस्टर द्वारा राशन वितरण करने की मांग की और कहा कनेक्टिविटी न होने की वजह से लोग काफी परेशान है, उनको समय से राशन नहीं मिल पा रहा। मेरा जिलाधिकारी से अपील है कि कृपया करके कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, इसी के चलते समय फिंगरप्रिंट भी नहीं आ रहा है। कृपया जिलाधिकारी द्वारा राशन वितरण करने की कृपा करें जो कि सभी ग्रामीणों को राशन समय पर मिल सके और वह अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। वहीं पर ग्रामीणों ने इंडिया न्यूज 28 के ब्यूरो चीफ मोहम्मद अली नकवी बताया। संभल संवाददाता सालेहीन अशरफी की रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है। आपको ये यहाँ पे जो राशन मिल रहा है इस टाइम, तो ये एक यूनिट पे कितना मिल रहा है? 5 किलो। 5 किलो क्या क्या मिल रहा है 5 किलो में? 2 किलो चावल, 3 किलो गेहूँ। 2 किलो चावल, 3 किलो गेहूँ। कितने यूनिट है आपके? मेरे 5 यूनिट है। 5 यूनिट कितना मिला? 25 किलो मिला। 25 किलो डीलर साहब आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आबिद है। मोहम्मद आबिद जी। आप पर यूनिट पे कितना गल्ला दे रहे हैं? हम 5 किलो यूनिट से गल्ला दे रहे हैं, 3 किलो गेहूं दे रहे हैं, 2 किलो चावल दे रहे हैं और सुबह से कुछ लोगों को दे पाए। कनेक्टिविटी की वजह से दिक्कत बहुत आ रही है। हम चाहते हैं कुछ ऐसा सरकार कोई उपाय बनाए ताकि कनेक्टिविटी की ये जो दिक्कत आ रही है। सुबह से महिलाएं बहुत परेशान थी, बहुत लोग आए हुए थे, वो बेचारी बैठकर चली गई काफी टाइम से, 2-3 घंटे से जी। खाने के लिए बच्चे परेशान हैं उन लोगों के, तो वो घर पे चली गई। फिर उनको हमने टोकन दे दिया गया जी जी, ताकि अब हमारी ये उनसे जिला अधिकारी से ये गुजारिश है के कुछ ऐसा सिस्टम निकाला जाए जैसे रजिस्टर से वितरण किया जाए। मशीन से कनेक्टिविटी नहीं आ रही, अंगूठा फिंगर प्रिंट्स नहीं लग पा रहा। हम चाहते हैं कि रजिस्टर से वितरण हो और सही से वितरण हो, सब लोगों को गल्ला मिले, सबके घर घर गल्ला पहुंच जाए ताकि कोई दिक्कत ना हो सके। टाइम पे उनका गल्ला पहुंच जाए, टाइम पे वो अपना गल्ला पिसवाएं और खाएं जी। हम चाहते हैं भीड़ नहीं लगे, अब सुबह से परेशान है लोग, बहुत दिक्कत है। तो सर आप इसमें कुछ चार्ज वगैरह ले रहे हैं या फ्री दे रहे हैं गल्ला? फ्री हम अंतोदय के लिए फ्री है जी, और मनरेगा की जो लिस्ट है उसके लिए फ्री है। तो हम चाहते हैं फ्री उनके लिए, बाकी जो अदरवाइज है पीएचएच में जी, उनके लिए हम पैसे से ले रहे हैं जी जी, जी। मनरेगा वालों को कितना दे रहे हैं? मनरेगा को 5 किलो यूनिट से दे रहे हैं, अगर उनके 10 मेंबर हैं तो उनको 50 किलो दे रहे हैं जी जी, 10 मेंबर पे जी। अगर 6 मेंबर है तो 30 किलो दे रहे हैं जी। आपको क्या नाम है? आपको गफूर। आपको गल्ला लेना है जी, तो आपको क्या मनरेगा वाले हैं आप या रेगुलर वाले? ग्रामीण रहने वाले जी। तो आपको गल्ला कितना मिल रहा है? आपको गल्ला 5 किलो मिल रहा है। 5 किलो पर यूनिट पे 5 किलो मिल रहा है। फ्री दे रहे हैं या पैसे ले रहे हैं आपसे? कितने रुपए किलो लेते हैं? 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो? 100 रुपए 110 का है। 2 रुपए किलो। हेलो, आपका क्या नाम है? अर्शद। अर्शद जी, तो आप ये बताइए आपको यहाँ पे कितना पर यूनिट पे गल्ला मिलता है? ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम 6-7 और 8-7 दिन से परेशान। क्यों क्यों परेशान है? परेशानी है, अब राशन बटा है, कलेक्ट वो नहीं आ रही तुम्हें जी, तो उसकी वजह से परेशानी हो रही है। कनेक्टिविटी की तो परेशानी जो है वो तो सभी को हो रही है। हाँ, तो बताओ ये कैसे देंगे जब नहीं आ रही तू जी, तो उसका तो वेट करना पड़ेगा आपको भी, तो इनके हाथ में नहीं है। बाकी गल्ला आपको हर महीने मिलता है? सही मिलता है। हाँ, गल्ला तो मिलता है। सही मिलता है आपको? ठीक है।